बुधवार देर शाम जिला चंबा के बनीखेत में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा ANTF की टीम ने हरियाणा के दो युवकों को 22.20 चिट्टा हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा ANTF की टीम को ये सफलता मिली है। टीम में प्रभारी करतार सिंह, HC रॉकी कुमार, HHC मोहम्मद असलम, HHC मनोहर लाल एवं HHC संजय कुमार शामिल थे। जानकारी के अनुसार देर शाम करीब 7:30 NH 154A के अंतर्गत कंटोनमेंट बैरियर के पास टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया था। इस दौरान दो युवक अपनी टोयोटा कार नंबर HR26BK1271 में सवार होकर हरियाणा से डलहौजी की तरफ आ रहे थे। कार को जांच के लिए रोका गया तो दोनों युवक बुरी तरह से घबरा गए और तलाशी के दौरान दोनों युवकों से कुल 22.20 चिट्टा हीरोइन बरामद कर दोनों को हिरासत में लिया गया। वहीं कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा ANTF के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी युवकों की पहचान 28 वर्षीय श्यांकी कुमार पुत्र बालकिशन निवासी गांव सनौली डाकघर वे तहसील बापौली जिला पानीपत एवं दूसरे की पहचान 21 वर्षीय अनिरुद्ध कुमार पुत्र हंसराज निवासी गाँव सनौली डाकघर हुए तहसील बापौली जिला पानीपत हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी युवकों के खिलाफ थाना डलहौजी में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।